नमस्ते, वेलकम टू बांग्ला कृषि खामार। तीन बात पहले ये चर्चा शुरू करने से पहले तीन बात बताना चाहते हैं। एक है, पहली बात, जो हम लोग सीट का वीडियो पोस्ट करते हैं उसमें हम लोग ओपनली प्राइस का खुलासा नहीं करते। अगर आपको प्राइस जानना हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर में आप जान सकते हो, नहीं तो हमको कॉल कर सकते हो। दूसरी बात क्या है, अगर कोई पॉन्ड का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम लोग ओनली पॉन्ड कल्चर में है, बायोफ्लॉक आर एस कल्चर में हम लोग नहीं है, तो पॉन्ड का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारा व्हाट्सएप में लिखिए। हाँ, जल्दी हम आंसर नहीं दे पाते क्योंकि इतना काम करने के बाद वो करना, जल्दी करना पॉसिबल नहीं होता, हम भी एक ह्यूमन बींग है। और इसलिए कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम का मत लिखिए, क्योंकि उसमें आंसर देने का प्रॉब्लम हो जाता है। व्हाट्सएप में दीजिए, हमारा व्हाट्सएप है, हमारा फार्म मैनेजर का व्हाट्सएप है। तीसरी बात क्या है, अगर कोई वीडियो आप चाहते हो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम देख लेंगे, हम समय के साथ देख लेंगे और ज़रूर इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो हमारा जो फ्रेंड है, कलीग है, फार्मर है, हम एक कोऑपरेशन उम्मीद करते हैं हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो आज जो विषय के ऊपर हम चर्चा करने का कोशिश करेंगे वो है पंगासियस का वाटर पैरामीटर, पानी में यानी कि पॉन्ड में क्या आइडियल क्या रह सकता है पैरामीटर। आप जानते हैं हमारा किसानों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे जगह में अभी एक्वा क्लिनिक खुल चुका है, जहां पर हम पानी का जांच कर सकते हैं, वहां पर टेक्निकल असिस्टेंट हम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो वहां पर जाके हम बोल सकते हैं। ये हमारे के लिए बहुत खुशी का बात है। इसलिए जो ये सीजन पंगासियास आप लोग शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए एक पैरामीटर है। खैर, ये तो 100% मेंटेन कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करिए जितना हो सके, क्योंकि ये स्टैंडर्ड हम कलेक्ट किया है, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर जो अगर आप थोड़े से भी फॉलो करते जाइए तो आपको पॉन्ड कल्चर के थ्रू पंगासियास फार्मिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, ऐसे ही उम्मीद करते हैं हम। तो शुरू कर देते आज का जो हम लोग पंगासियास ये पॉन्ड कल्चर के ऊपर होने, जो कच्चा तालाब है उसका ही एक पैरामीटर है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं पीएच। हाँ, जैसे बताया था आपको, पैरामीटर को 100% आप सही नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हो सके आप कर सकते हो इसको। तो पहले पीएच जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6.5 टू 8.5 ऑक्सीजन 2 टू 5 ppm, कार्बन डाइऑक्साइड 0 से 10 ppm, टोटल एल्केनिटी 50 टू 400 ppm, कार्बोनेट 0 टू 40%, बाइकार्बोनेट 75% टू 100%, टोटल आयरन 0.15 टू 0.50 ppm, नाइट्रेट 0.6 टू 3.0 ppm, नाइट्राइट 0 टू 0.5 ppm, फॉस्फोरस 0.01 टू 0.30 ppm, पोटाशियम 0.4 टू 1.0 ppm, अमोनिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज 0 टू 0.05 ppm, कैल्शियम 10 टू 160 ppm, जिंक 0 टू 0.05 ppm, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑलवेज 0। तो एक एक आइडियल है, इसके अंदर अगर आप रख पाएंगे तो आपको पानी के लिए जितना सारा प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, डिजीज के लिए, मतलब डिजीज का के ऊपर जो असर पड़ रहा है, मोर्टालिटी से लेके ग्रोथ से लेके बहुत सारे प्रॉब्लम हम पानी से झेल रहे हैं हमारा अर्थन पॉन्ड में, कोशिश करिएगा इस पैरामीटर के अंदर रहने का। हम फ्यूचर में एक एक इंडिविजुअल, मतलब कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल एल्केनिटी, इसके ऊपर इंडिविजुअल एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देयर करने का भी कोशिश करेंगे फ्यूचर में।
इसके असर एक दूसरे के ऊपर कैसे हो रहा है, और यानी कि कल्चर में, पॉन्ड कल्चर में अमोनिया, कैल्शियम, जिंक, अमोनिया के ऊपर हम पहले एक दिन बना चुका है, एक वीडियो है ऑलरेडी, लेकिन इसको और भी नाइट्रेट, नाइट्राइट, हाँ, फास्फोरस के कैसे असर होता है, कैसे रिएक्शन होता है, और पानी के क्यों इतना ये इम्पोर्टेंट चीज होता है मछली फार्मिंग के लिए, मछली के ऊपर क्या इसको मतलब इफेक्ट करता है, ये सब ये हम फ्यूचर में वीडियो बनाने का जरूर कोशिश करेंगे और करेंगे भी। बांग्ला कृषि खामर का यूट्यूब चैनल आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, और सीजन स्टार्ट हुआ है, सभी को, सभी हमारा फार्मरों को हम मुबारकबाद देते हैं, अच्छी से फार्मिंग करिए, इस साल जम के फार्मिंग हमको करना है और प्रॉफिटेबिलिटी, एंड में प्रॉफिटेबिलिटी हमको दिखाना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।